पड़ोसी देश पाकिस्तान में इंटरपोल में लिस्टेड आतंकवादी विदेश नीति तय कर रहा है। किस देश से कैसे रिश्ते रखे इसकी तमीज अब हाफिज सईद जैसा शख्स पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कहने के लिए जमहूरियत है, यहाँ एक आवाम की चुनी हुई सरकार भी है, लेकिन इन सब पर हुकूमत किसकी चलती है? कौन है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज तय करता है? आखिर कहाँ से संचालित होते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके फैसले? और इन सब बातों का जवाब है ये चेहरा। यूं तो ये दुनिया के लिए आतंकवाद को पालने पोसने वाला आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यही हाफिज सईद उसका पॉलिसी मेकर है। और अगर यकीन ना हो तो हाफिज सईद का ताजा बयान जान लीजिए, जिसमें उसने किसी लॉ मेकर की तरह भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हो इस पर अपनी राय जाहिर की है, या फिर यूं कहें कि सरकार को आदेश दिया है। इस वक्त एक पूरा असेंबली का सेशन होना चाहिए, अभी तक असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ कि इसके अंदर जबरदस्त करारदाद मंजूर कर की जाए और हम फौरन इस्लामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। हाफिज सईद ने यह भी कहा है कि भारत से पाकिस्तान को अपने उच्चायुक्त बुला लेने चाहिए और भारत के उच्चायुक्त को वापस भेज देना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि पाकिस्तान की विदेश नीति क्या हो, ये तय करने वाला हाफिज सईद कौन होता है? ना तो उसे संवैधानिक तौर पर कोई पद हासिल है और ना ही वो पाकिस्तान की आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा है। आखिर किस हैसियत से हाफिज सईद भारत के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी तय कर रहा है? इस सवाल का जवाब अगर कोई इंसान दे सकता है तो वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जिन पर इतने हुकूक से हाफिज सईद ऑर्डर चला रहा है। और नवाज शरीफ भी उसकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब हाफिज सईद कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की शहादत के पहाड़े रट रहा था। माशाल्लाह, कोई एक दो नहीं, शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। भाइयों, ये कुरान है, इंशाल्लाह हमारा इस पर ईमान है। बुरहान की शहादत, बहुत सारे माशाल्लाह, कोई एक दो नहीं, शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर कश्मीर में जिहाद इंशाल्लाह झूम के उठने वाला है। और नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को पाकिस्तान की नजरों में शहीद घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान की सरकार को बुरहान वानी का मुद्दा यूएन में ले जाने की हिदायत दी। ज़रूरत है कि पाकिस्तान वकील की हैसियत से कश्मीर के मसले को लेकर OIC में जाए, सलामती काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर पाकिस्तान यानी दरख्वास्त करे तलब करने के लिए। और पाकिस्तान ने वैसा ही किया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार आतंकवादी हाफिज सईद के ही कहने पर चलती है? खुद आतंकवाद से जूझने की बात रखने के बाद भी पाकिस्तान का नीति निर्धारक वो आदमी है जो इंटरपोल में लिस्टेड है। पाकिस्तान उस आदमी का कहा सुनता है जिसके सर पर अमेरिका ने 1 करोड़ का इनाम रखा है और जिसके आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के सबूत झोली भर भर कर भारत उसे सौंप चुका है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। एक ओर से हाफिज सईद पाकिस्तान की सरकार को विदेश नीति समझा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव रहे रियाज हुसैन खोखर ने ही पाकिस्तान की पोल खोल दी है। वहां की सरकार दबाव में आकर बुरहान वानी के मुद्दे पर अपना स्टैंड ले रही है। चीन की राजधानी बीजिंग में रियाज हुसैन खोखर ने कहा कि कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की याद में 19 जुलाई को ब्लैक डे मनाने के फैसले के पीछे भी पाकिस्तान के दबाव की राजनीति काम कर रही थी। पहले पाकिस्तान की सरकार इस मुद्दे पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और लोगों के दबाव को देखकर सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा। पाकिस्तान अगर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गया है तो उसके पीछे भी यहाँ की सरकार पर पड़ने वाला दबाव ही था।
ऐसे में साफ हो जाता है कि सरकार किसके दबाव में थी, क्योंकि ये सारी मांगे हाफिज सईद ही कर रहा था और दबाव भी उसी का था।